आज आपके सामने धातु के विषय में कुछ जानकारियां शेयर की जाएंगी। हाँ, इसके विज्ञान को हम लोग ओडेंटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके विज्ञान को ओडेंटोलॉजी बोलते हैं, और इसी के विषय में हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। दांत क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे इसका बनावट है, संरचना कैसा है, इसी के विषय में इस वीडियो में स्टडी किया जाएगा। तो दांत आपका रियल में ऊतक होता है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे बुक्स में बोन इसको हड्डी मान लिया गया है, लेकिन हड्डी नहीं है, दांत एक ऊतक है, लेकिन कठोर प्रकृति है। कैसा प्रकृति है इसका? इसकी प्रकृति होती है कठोर है, लेकिन ऊतक है, टिश्यू एक टाइप का। इसको कभी भी हड्डी नहीं मानिएगा, टिश्यू है, शरीर भाग लेने वाला। इसको मजबूत भी नहीं बोलिएगा, मजबूत तो आपका जबड़ा उबड़ा होता है ना, ये कठोर ऊतक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका विज्ञान जो होता है उसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? ओडेंटोलॉजी इसका विज्ञान हो गया। इसके बाद आता है कि दांतों के बनावट के विषय में हम चर्चा करेंगे। बनावट, दांतों का जो बनावट होता है कैसा होता है? इसका बनावट इस टाइप से लगभग होता है, इस टाइप से होता है। इसके अंदर यहाँ मांस होता है, मांसपेशियों का एक समूह होता है, और इसके अंदर एक ट्यूब ऐसा ऐसा होता है। ये दांतों का बनावट हो गया। जो बाहरी परत है दांतों का बनावट का, इसको हम लोग बोलते हैं एनामेल। क्या बोलते हैं इसको? एनामेल बोलते हैं। और अंदर का जो एक परत होता है, मांसल परत है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन, और जो ये परत होता है जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन इसमें आता जाता है, खून का प्रवाह, दांत जीता है ना अगर, तो इसमें इसको हम बोलते हैं कैनाल रूट बोलते हैं। कैनाल रूट, रूट कैनाल बोलिए इसको, रूट कैनाल। इसी के माध्यम से दांतों में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसी के माध्यम से दांतों में ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है। और ये जो पोर्शन हो गया, डेंटाइन हो गया, और ये बाहरी परत जो है ये एनामेल है। ये जो व्हाइट वाला दिखता है ना परत, उजला वाला परत दिखता है दांतों में, ये वाला, तो ये एनामेल है। ये क्रिस्टल के रूप में होता है, क्रिस्टल, रवा। क्रिस्टल का मतलब रवा। आप तो चीनी देखे होंगे, चीनी देखे होंगे ना, वो भी रवा है टाइप का, हीरा भी रवा है, हीरा तो नहीं देखे होंगे लेकिन चीनी तो देखे होंगे। वैसे ही आपका एनामेल जो होता है रवा है टाइप का, ये जनरली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कौन सी का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है एनामेल। CA आपका हो जाएगा 3PO4 होल 2, कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ध्यान दीजिएगा एनामेल। लेकिन जब ये रवा के रूप में रहेगा तो इसको कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं, कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं। जब ये रवा के रूप में रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट एनामेल बना होता है इसका, तो इसको कैल्शियम एपेटाइट बोलते हैं। और जो डेंटाइन होता है ये प्योर आपका कैल्शियम फॉस्फेट का ही बना होता है। डेंटाइन जो होता है प्योर कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और रूट कैनाल तो एक टाइप का ट्यूब है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बनता है। ये आपका बनावट हो गया दांत का, दांतों का बनावट हो गया। अब थोड़ा सा इसे हटके हम मानव पर चर्चा करना चाहते हैं, अपने ऊपर, कि हम लोगों में कैसे कैसा दांत होता है। तो अभी दांत का चर्चा हम करने जा रहे हैं, टाइप बताएंगे, टाइप ऑफ टीथ बताने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग विषम दंती जीव है, ध्यान दीजिएगा। विषम दंती का मतलब हम लोग का दांत अलग अलग टाइप का होता है। आगे वाला कुछ लोग बोलता है कि इंसाइजर है, वो भी है, सब होता भी है जेल में, इंसाइजर है, उसके बाद कैनिन आता है, उसके बाद प्री मोलर आता है, अंतिम में मोलर आता है। तो हम लोगों का दांत एक टाइप का नहीं होता है, विषम दंती हम लोग जी हैं, विषम दंती, विषम दंती, विषम दंती जी हम लोग हैं। क्या है विषम दंती? इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। अब दांतों का बनावट हो गया, दांतों का टाइप आते हैं धीरे धीरे, इसको बिताने जा रहे हैं दांतों का। इसके बाद टॉपिक आएगा दांतों की बनावट, दांतों की बनावट, दांतों, चाहे दांतों का प्रकार, बनावट तो हो गया, अब प्रकार पर देखते हैं। दांतों का प्रकार जनरली, ये आप एक फिगर खींच रहे हैं, देखिएगा फिगर खींच रहे हैं, इसको हाफ डिवाइड कर दिए हम इधर, और यहाँ पर हम पॉइंट वाइज दे रहे हैं, एक टाइप का साइन बना देते हैं। ये हो गया, फिर आपका एक ठुई हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, ये हो गया, फिर एक ठू यहाँ हो गया, और फिर यहाँ पर कुछ दूसरा साइन दे देते हैं, मान लीजिए इसको चौड़ा थोड़ा कर देते हैं, यहाँ पर इसको
चौड़ा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ ये जो है ना पोर्शन, इसके इधर का अपर अपर हाफ बोल रहे हम, ये ऊपर वाले का इधर का और इसके इधर का ये आपका बनावट यहाँ दिखाए संरचना। ये जो जो है यहाँ पर ये दो हो गया, यहाँ पर दो हो गया, दो हो गया, यहाँ पर एक हो गया, एक हो गया, यहाँ पर ये दो हो गया, फिर यहाँ पर दो हो गया, फिर यहाँ तीन हो गया, फिर ये तीन हो गया। अब इसका थोड़ा नामकरण बताते हैं, क्या बोलते हैं इसको। ये जो हम गोल किए दो दो वाला, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंसाइजर, या इसको इसको बोलते हैं इंसाइजर, या इसको कृंतक के नाम से जानते हैं, कृंतक, कृंतक। और ये जो है आपका, इसको हम बोलते हैं रदनक, 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 या इसको कैनिंग बोलते हैं, कैनिंग, कैनिंग बोलते हैं। और ये जो दो वाला पोर्शन है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर, या बोलते हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। यहाँ भी आपका ये जो दो वाला है इसको बोलिएगा प्रीमोलर, क्या बोलिएगा इसको, इसको दो वाले का, ठीक है, प्री मोलर 21-23 बेटा, ठीक है, प्री मोलर, इसको भी बोलिएगा अग्र चवर्णक, अग्र अग्र चवर्णक, चवर्णक बोलिएगा अग्र चवर्णक, इसको भी बोलिएगा। तो ये संख्या दो हो गया, इधर भी दो हो गया, और ये जो अंतिम होता है इसको बोलते हैं चवर्णक, चवर्णक, इसको भी बोलते हैं मोलर, इसको भी हम लोग बोलते हैं मोलर या चवर्णक। ये आपका चवर्णक है, देखिए ध्यान से देखिएगा ये हम क्या लिखे हुए हैं, ये इसके इधर का आधा, इसके इधर का आधा है। तो यहाँ पर क्या है, इंसाइजर कितना होता है, इंसाइजर ऊपर वाला, पूरा ऊपर वाला में इंसाइजर चार हो गया, लेकिन अपर हाफ में देखिएगा तो आधा दो हो गया। फिर उसके बाद ये क्या है आपका, ये आपका है कैनिन है, ये कैनिन है, एक इधर हो गया, फिर एक इधर हो गया, फिर आपका उसके बाद अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से अंदर की तरफ, फिर यहाँ पर जो आता है प्रीमोलर है, इस टाइप में आ जाता है, वो गाल का दांत बोलते हैं इसको, प्रीमोलर है, ये दो इधर भी रहता है, दो इधर रहता है। उसके बाद अंतिम में आता है आपका चवर्णक या मोलर आता है, पूरा फुली चबाने का काम करता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, इसकी संख्या छह हो गई। थोड़ा नीचे से चलते हैं, इसका जब सूत्र लिखेंगे दांत का, दांत का सूत्र हो जाता है आपका 21-23 बटा 21-23। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इंसाइजर का संख्या है, ये आपका कैनिन का संख्या है, ये आपका प्रीमोलर का संख्या है, ये मोलर का संख्या है। तो अपर हाफ में, इसको अपर हाफ में देखिएगा, अपर हाफ में दो हो गया इंसाइजर, ये क्या हो गया इंसाइजर, क्या होता है इंसाइजर, ये वाला सामने वाला दांत जो इंसाइजर है, ये कोई चीज को काटने का काम करता है, कोई चीज खाइएगा तो इसी से काटिएगा, ये आपको इसको नोज टीथ भी बोलते हैं, नाक के सामने रहता है, ठीक है, इंसाइजर। उसके बाद आता है कैनिन, ये कैनिन इसके सामने होता है, ये आंख के सामने होता है, इसलिए आंख का दांत भी इसको बोला जाता है इंसाइजर। क्या होता है, ये चीरने के लिए, फाड़ने के लिए होता है इंसाइजर। उसके बाद जो प्रीमोलर होता है, चवर्णक, इसमें घिसता है कोई चीज, चबाया जाता है उसको, लेकिन फाइनली चबाने का काम होता है चवर्णक, कौन सी होता है चवर्णक में। और दांतों का सूत्र हो गया 21-23 बटा 21-23, क्या होता है 21-23 जोड़िए तो कितना होता है, 2, 1, 3, 3, 5, 3, 8, ये टोटल 8 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 8 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का फिर 8 हो गया, तो 8 × 2 = 16, तो ऊपर का दांत कितना हो गया 16, और फिर ये भी 8 हो गया, तो नीचे का 8 और यहाँ का 8, 8 × 16, तो फिर भी 16 हो गया, टोटल कितना हो गया 32, दांत तो 32 ही होते हैं। ये आपका दांत का वयस्क में फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ओल्ड में, ओल्ड या आपका जो यंग लोग हैं उसमें, यंग में, दोनों में, ओल्ड में और यंग में ये फॉर्मूला काम करता है, बच्चा में नहीं होता है। बच्चों में ध्यान देने की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में यहाँ ध्यान भी देना है कि आपका जो ये पोर्शन होता है प्रीमोलर वाला, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चों में प्रीमोलर होता ही नहीं है। अब मोलर में जो अंतिम होता है ये भी नहीं होता है बच्चों में, ये अंतिम जो होता है ये मोलर का अंतिम नहीं होता है बच्चों में, इसको ऐसे समझिएगा। देखिए ये तो हो गया आपका बच्चों के लिए, आते हैं हम बच्चों में अगर आएंगे हम लोग
तो बच्चों का फॉर्मूला ऐसे होता है, देखिए बच्चों में आएंगे तो इनमें इंसाइजर होता है, कैनिन होता है, प्रीमोलर आपका जो होता है ये प्रीमोलर नहीं होता है। अब मोलर तीन जो है वहां पर, मोलर तीन है, यहाँ पर मोलर दो ही होता है, कितना होता है दो, अंतिम मोलर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा अंतिम मोलर नहीं। ये अंतिम मोलर क्या है, अंतिम मोलर क्या होता है, चवर्णक, अंतिम चवर्णक जो है दुर्ग दांत बोलते हैं उसको, अकल दांत बोलते हैं, चह बोलते हैं उसको, ये आपका 20-22 उम्र 24 तक में उगता हुआ बाद में आता है, ये दिखाई देता है। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है मोलर, दो मोलर मिलेगा, अंतिम मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, दो मोलर पाया जाता है, वयस्कों में पाया जाता है लेकिन बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो इनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहाँ दो होगा सही है, एक कैनिन आपका एक है सही है, प्री मोलर नहीं होता है तो जीरो बिठा दीजिए, अब मोलर यहाँ कितना होता है दो, ऐसा ही आपका फिर बटन में भी हो जाएगा 2 1 0 2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चों में प्री मोलर आप जीरो कर दिए, अगर चवर्णक जीरो हो गया, चवर्णक आपका हुआ दो, अंतिम चवर्णक नहीं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में अंतिम चवर्णक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा अंतिम चवर्णक क्या है, इसको हम बोलते हैं अकल का दांत बोलते हैं, अकल दांत, या इसको हम बोलते हैं बुद्धि का दांत बोलते हैं, बुद्धि का दांत बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं इसको। तो ये 20 वर्ष के बाद ही आपके सामने दिखाई देगा। तो बच्चों में दंत सूत्र जो होता है, टीथ फॉर्मूला ये हो गया 21 02 / 21 02, ध्यान दीजिएगा इसको जोड़िएगा तो 2 1 3 5, ये 5 हो गया, अपर हाफ में 5 हो गया, तो 5 में 10 हो गया, ऊपर 10 हो गया, ऊपर कितना हो गया 10, और ये भी 5 हो गया, तो हाफ में 5 हो गया, फुल में 10 हो गया, 10 2 20, इसका मतलब है बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है बच्चों में दांतों की संख्या, 20 होती है, 32 नहीं, 32 दांतों की संख्या ओल्ड में, यंग में, इस सब में होगा, लेकिन बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। इसको हम दूध का दांत बोलते हैं, दूध का दांत बोलते हैं, ये अस्थायी दांत है, अब अस्थायी, इसको अस्थायी दांत बोलते इसलिए कि ये बाद में ये जब उम्र आपका हो जाएगा 8 साल 9 साल, धीरे धीरे ये गायब होने लगता है, इसलिए अस्थायी दांत बोलते हैं। लेकिन ये जो दांत आप लोगों ने पढ़ा, इंसाइजर है, कैनिन है, प्रीमोलर मोलर है, ये अस्थायी दांत होता है, इस चार प्रकार का होता है। लेकिन ये आपका जो है, कोई पूछेगा आपसे क्रमशः बहुत जगह पूछा जाता है कि आपका जो दांत होता है बच्चों में अस्थायी दांत, दूध का दांत, ये बताइए कितनी संख्या में होती है, तो 20, और कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार के। तो अस्थायी दांत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, और अस्थायी दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, वो यंग में, युवा में, और थोड़ा सा अधिक उम्र के लोगों में भी पाया जाता है। फिर एक बहुत नोटिस करने वाली चीज है कि प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, मोलर पाया जाता है तो 2 पाया जाता है, अंतिम मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका टॉपिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और ये सब तो हो गया आपका टॉपिक, आपको दाम बताई दी इसको, ये भी आपका हो गया, ठीक है। इसके आगे थोड़ा आते हैं, इसके आगे आइए, माइंड में रखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला भी हो सकता है, ICPMM, इसके लिए ऐसे फॉर्मूला है कि याद रखिएगा, आई कैन पोस्ट माई मेल, ये फॉर्मूला लिख देते हैं, ये बाहर से मुख के तरफ से अंदर जाना है, मुख के तरफ से अंदर जाइएगा, इसके लिए फॉर्मूला जैसे ऐसे देखिए, ये आपका ए वाला हो गया इंसाइजर, फिर ए हो गया कैनिन, फिर हो गया पीएम, फिर हो गया मोलर, जैसे आप अंदर जाइएगा तो आपका इंसाइजर, तब कैनिन, तब प्री मोलर, तब मोलर। तो इसको याद करने के, छोटे बच्चों में जैसे हाई स्कूल के बच्चे हैं, सब लोग याद करने का अच्छा तरीका है कि आई मतलब इंसाइजर, कैन का मतलब सी माने कैनिन, पी पोस्ट माई का मतलब हो गया प्री मोलर, और मेल का मतलब मोलर, ये याद करने का बेहतरीन तरीका है, आई कैन पोस्ट माई मेल, ये 4 दांतों का टाइप हो गया सूत्र, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसके आगे आते हैं दांतों के विषय में आपने अध्ययन किया, बहुत अच्छा अध्ययन हुआ। इसके बाद आते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे, दांतों की बीमारी, दांतों की बीमारी के विषय में स्टडी करेंगे। दांत की बीमारी क्यों होती है, तो इसका मुख्य रीजन 3 चीज है, ध्यान दीजिएगा,
एक होता है फॉस्फेट, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है, दूसरा खुद ब खुद कैल्शियम, और तीसरा आपका क्या विटामिन डी। ये तीन चीजें शरीर में कमी होगी, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इनकी कमी से बीमारी होता है दांतों का। एक चौथा चीज भी है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन जो है ये कम हो जाएगा दांत में, कम होगा तो भी बीमारी होगा, फ्लोरीन अधिक हो जाएगा तो भी बीमारी होगा, दांतों की बीमारी होगा, अधिकता जब हो जाएगा फ्लोरीन का दांतों के अंदर, तो इसको हम लोग फ्लोरोसिस रोग बोलते हैं, फ्लोरोसिस, फ्लो इसको बोलते हैं फ्लोरोसिस, ध्यान दीजिएगा ये बीमारी है, फ्लोरोसिस रोग है, फ्लोरीन की अधिकता से, फ्लोरीन की अधिकता से, ये दुनिया में गैस है कहता, लेकिन इसका अधिकता से जब ये लिक्विड रूप में कैसे भी दांतों के सामने आएगा तो इसको बोलेंगे बीमारी को फ्लोरोसिस रोग बोलते हैं। और फॉस्फेट ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, फॉस्फेट कोई कैल्शियम फॉस्फेट जनरली, ये आपका ये कम हो जाएगा अगर दांतों के पास में विटामिन डी कम हो जाएगा तो भी दांत आपका खराब होने लगेंगे, दंत क्षरण बोलते हैं इसको हम, दंत क्षरण के लिए मुख्य जीवाणु कैल्शियम फॉस्फेट है, अगर ये शरीर में कम हो गया, दांतों के पास कम हो गया, और विटामिन डी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम अच्छा अर्गेट कैल्शियम विटामिन डी जानते हैं आप लोग ना, सूरज के प्रकाश विटामिन डी मिलता है, ध्यान दीजिएगा विटामिन डी कहाँ मिलता है, सूरज के प्रकाश में, कैल्शियम नाम है इसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपके बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम फॉस्फेट का पाचन नहीं होगा और दांत आपका स्ट्रांग नहीं होगा, तो दांतों की बीमारी एक हो गया फ्लोरोसिस रोग हो गया, दूसरा आपका दंत क्षरण हो गया, तीसरा एक बीमारी है दांतों में आता है पायरिया, पायरिया भी रोग है, जनरली पायरिया में मसूरे सूज जाते हैं, उसमें से ब्लीडिंग या ऐसा होने लगता है, और अभी तो दांतों में बहुत सारे रोग आ गए हैं, दांत का कैंसर भी हो जाता है, सावधानी पूर्वक इसका जब भी आप दांत को दिखाइए अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है आपके शरीर में, आँख दांत नाक कान ये सब बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए दांतों की बीमारी से बचने के लिए खाने के बाद, खाने के बाद सामान्यतः क्या करते हैं, रो जाते हैं, खाने के बाद छल लेते हैं, खाने के बाद मुंह को साफ करना चाहिए, क्योंकि आपके भोजन में बहुत सारा चीज अम्लीय भी होता है, जैसे बच्चा दूध पी लेता है सो जाता है, दांत खराब हो जाएगा, चॉकलेट खा लेगा डार्क चॉकलेट सो जाएगा, दांत खराब हो जाएगा, इसलिए इससे बचना चाहिए, दांत को बचाना है तो खाने के बाद जरूर मुंह को साफ कीजिए। हमको लगता है कि अब दांतों पर आपका स्टडी पूरा हो चुका है, इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे होगा।